हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपीपी 2018 रेलवे आरपीएफ सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको दबा करके चैनल साथ में जुड़ जाइए और घंटी के आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें निकालना है इसमें। तो इन चारों का रिलेशन बनके कुछ ये अंदर वाला निकल रहा होगा। इस टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें चल क्या रहा है, इन सभी का स्क्वायर किया गया है सबसे पहले, ठीक है, फिर उनको प्लस करके लिखा गया। देखिए, दो दूनी चार, यानी कि चार का स्क्वायर चार प्लस चार, चार चौक सोलह, ठीक है, चार चार और सोलह, और ये हो जाएगा आपका प्लस नाइन, तो कितना हो जाएगा 33। वैसे ये किया गया है, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 25। इन सभी को प्लस करोगे तो 54 आ जाएगा। वैसे ही इसको 3 का हो जाएगा यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 16। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस करके देखिए 86 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 86 आ जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, और अगर प्रॉब्लम रहती है ना किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम रही है, और मुझे दोबारा से बता दीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं तो उसमें मैं दोबारा से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर बताने वाली संख्या चुनकर लिखिए। यदि 56 इंटू 72, और यह आपका दे रखा है इसी तरीके से 79 और 32 इंटू 4 81, 9 इंटू 12 34, 25 इंटू 30 56, और 49 इंटू 42 का मान क्या होगा। तो जिस तरीके से जो भी रिलेशन इनके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होके ये निकला है, इन दोनों के बीच में ये निकला है, तो उसी टाइप से 49 इंटू 42 को करेंगे तो कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए, अगर किसी भी एक कॉमन नंबर से इनको डिवाइड किया जाए, और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए दोनों नंबर, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे 56 इंटू 72 को 79 लिखा गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। अब ये दोनों एक कॉमन एट से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एट से दोनों के दोनों डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली। एट से ये जाएगा 7 टाइम, और एट से ये जाएगा 9 टाइम, तो 79 आपका आंसर बन गया, ठीक है। वैसे ही इसमें दूसरे वाला क्या था, 32 इंटू 4 था, तो ये 4 से जाएगा 32 को काटेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, और 4 को 4 से काटेंगे तो 1, तो 81 आंसर बन गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना हो सके। अब जैसे 9 इंटू 12 लिखा है 34, ये सभी क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, 9 इंटू 12 लिखा है 34, तो 9 को देखिए, दोनों इन दोनों को कॉमन कौन सा नंबर कट कर सकता है, वह 3 से ये भी चला जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, और ये चला जाएगा 4 टाइम, तो 34 आपका आंसर बन जाएगा। वैसे ही फोर्थ वाला दे रखा है 25 इंटू 30, तो ये 5 से चला जाएगा, 5 से जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, और 30 जाएगा 5 से 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 56 आपका आंसर बन जाएगा। और उसी प्रकार अगर देखा जाए 49 इंटू 42, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, यानी कि इसका मान क्या निकलेगा, तो 49 और 42 को दोनों को 7 से डिवाइड हो सकते हैं कॉमन नंबर से, तो 7 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम, और ये जाएगा 6 टाइम, तो 76 आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक उत्तर की ओर 30 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़कर
ओर 500 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी मीटर दूर है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कवर करा चुका हूँ, तो इसका मतलब यह है कि इसी टाइप का आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्शन से, और जो कि बहुत आसान होगा। कैसे करना है, स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए। अशोक उत्तर की ओर 30 मीटर चला, तो उत्तर आपको पता है नॉर्थ साइड में किस डायरेक्शन में चलेगा ये उत्तर, तो आप कहीं से भी उसको उत्तर की तरफ 30 मीटर चला दीजिए। यहां पे आने के बाद फिर उसने क्या किया, 40 मीटर सॉरी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर यानी कि लेफ्ट साइड में वो मुड़ा और फिर 40 मीटर चला, यहां से यहां पे मुड़ा 40 मीटर चला। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन में, फिर बाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, फिर से वो बाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो इस टाइम पे वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ई पॉइंट पे आ गया। अब मुझे ये बताइए, पूछा क्या गया है कि जिस पॉइंट से वो चला था और जहाँ पे आज वो खड़ा है, तो कितना डिफरेंस उन दोनों के बीच में अब बचा है, मतलब कितनी दूरी है उनके बीच में। तो हमें पता है इस पूरी की पूरी लाइन में 500 मीटर उसने कवर किया था, यहाँ से यहाँ तक चलना उसने 500 मीटर कवर किया था, और यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक उसने 30 मीटर कवर किया था। अगर 500 में से 30 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 470। तो 470 मीटर के दूरी मतलब डिस्टेंस पे वो खड़ा है, जहाँ से वो चला था और जहाँ पे अभी वो है, तो 470 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है। ये आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक ये है आपका कैलेंडर से एक क्वेश्चन, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन रहेगा या रहा होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए बहुत आसान है क्योंकि ये तो एक ही ईयर की बात कर दी गई है, और कैलेंडर की बात कीजिए, मैंने पूरे कैलेंडर पे अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड किए दो। कल कोई बच्चा पूछा था मेरे से कमेंट बॉक्स में कि मुझे कैलेंडर की वीडियो चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी, किसी भी चैप्टर की देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब उसने कहाँ से 17 मार्च से हमें काउंट करना है और 12 जुलाई तक, 17 मार्च से 12 जुलाई तक के बीच में पहले दिन देखना है काउंट करके कितने बैठ गए। तो 17 मार्च को हम ये 17 सॉरी मार्च कितने में कितने का होता है, 31 का, तो 31 में से अगर 17 को माइनस करेंगे, ठीक है, अभी 17 को माइनस करते हैं और प्लस करते हैं फिर आगे के पूरे पूरे कंप्लीट मंथ जितने भी है, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, तो अप्रैल आपका होता है 30 का, फिर मई, फिर जून, ठीक है, और फिर जुलाई, जुलाई हो गया आपका 12, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो इन सभी को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 117 दिन, ये 117 दिन हो गए। इन सभी को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 31 माइनस 17, तो ये इनको सभी को प्लस करने के बाद 117 दिन बैठ गए। अब 117 को 7 से भाग दे देंगे तो जितना भी शेष बचेगा, समझने की कोशिश करिएगा, तो उतना ही आपको सोमवार से आगे काउंट कर लेना है दिन, ठीक है, जितना भी शेष बचेगा। देखिए 117 को 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 5, यानी कि सोमवार से आगे 5 काउंट कर लो और वो आपका आंसर बन जाएगा। तो सोमवार से आगे 5 काउंट करेंगे क्या आ जाएगा, शनिवार, ये आपका आंसर बन जाएगा, सैटरडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपके ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी इस चैप्टर की, जो मैंने सेपरेट अलग से अपलोड की है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, तो हमें जैसे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना है उसे कर देना है स्टार्ट, मतलब एफ जो है ए के दूसरे बाईं ओर है, तो हमने एक गोला बनाया, ठीक है, और उसमें ए को कहीं पे भी बैठा दीजिए, बस एफ उसके दूसरे बाईं ओर है, तो इसका ये बाईं ओर यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे बैठेगा, सेकंड बोला है ना, तो एक बीच में छोड़ देंगे, अभी हमें यहाँ पे नहीं पता ई है या कौन सा है, वो अभी पता चल जाएगा, पर एक छोड़ के हमें इसको बैठाना है एफ को, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर आपका बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, बी जो है ए के दूसरे दाईं ओर पर है, तो एक जहाँ पर है हमें पता है, तो ये इसके दाईं ओर पे हो जाएगा, दूसरा एक हमें यहाँ पे भी छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया यहाँ पे बी एफ ए, अभी हमारे ये तीनों बैठ गए हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है डी का बाएं पड़ोसी है, तो
फिर ये किधर किस साइड में आ जाएगा, ए डी का बाएं पड़ोसी है तो इसका मतलब ये डी यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में नहीं होगा क्योंकि ये दाएं हो जाएगा फिर, ठीक है। तो डी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी जो है एफ और बी के बीच बैठा है, तो सी जो है एफ और बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो सी बीच में बैठ जाएगा। तो इजीली आपका क्वेश्चन हो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ए का बाई का पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन होगा, ए का बाई का पड़ोसी, तो बस ये ई बचा था, ये भी यहाँ पे बैठ गया, ये हमें वैसे भी अगर नहीं भी बताते तो एक बचा था वो कहाँ पे आता, वो यहीं पे आता, तो ई को भी इन्होंने बता दिया है। तो पूछा क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए का बाई का पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी ऐसे तो इन्होंने नहीं बताया, तो एफ का पड़ोसी देख लीजिए ई और सी हो जाएगा, एफ का पड़ोसी कौन हो जाएगा, सी ई या ई सी जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो सी और ई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए स्टेप बाई स्टेप बस पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को इजीली सोल्व हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। किसी परिवार में गृह स्वामी, उसकी पत्नी, चार पुत्र और उसकी पत्नियाँ हैं, प्रत्येक पुत्र के परिवार में एक पुत्री और चार पुत्र हैं, एक पुत्री और चार पुत्र हैं, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे एक गलती क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देते कि पुरुषों की बात की गई है, सबको काउंट कर लेते हैं, तो पुरुषों की बात की गई है। बस एक बार और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परिवार में गृह स्वामी, उसकी पत्नी, तो पत्नी को हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, गृह स्वामी प्लस चार पुत्र इनको काउंट करेंगे, उनकी पत्नियाँ तो उनकी पत्नियों को भी काउंट नहीं करेंगे, प्रत्येक पुत्र के परिवार में एक पुत्री तो एक पुत्री को भी काउंट नहीं करेंगे, चार पुत्र हैं तो इसको काउंट करेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से एक छोटी सी इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, एक गृह स्वामी प्लस उसके चार पुत्र और, ठीक है, और प्रत्येक पुत्र के चार पुत्र, तो प्लस चार इंटू चार कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हर एक पुत्र के चार पुत्र और भी हैं, तो चार इंटू चार कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव, और इन दोनों इसको कितना हो जाएगा, सिक्सटीन प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ट्वेंटी वन। तो परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, 21 है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन में देखिए आप, 21 भी है और 29 भी है, अगर आप इनको काउंट करेंगे सभी पत्नी और पुरुषों को सभी को, तो 29 आएगा आई थिंक। तो ये ऑप्शन आपको गलत लगा दोगे अगर आप थोड़ी सी पढ़ने में मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को, तो ऐसे नहीं करना है जल्दबाजी में कुछ भी ऐसे गलत काम, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 16 जून से नए बैचेज स्टार्ट होने वाले आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, वीडियो को जरूर दूसरों को शेयर किया करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। यूपी पुलिस वालों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।